हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी यू हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, पेडागोजी ऑफ हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी स्पेशल चांस के जो मर्सी एग्जाम हो रहे हैं उनका दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर का आपका था, 4 पार्ट आपको करने थे। कौन कौन से क्वेश्चन है देख सकते हैं। ब्लूम के भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीक की उपयोगिता, व्याकरण शिक्षण का महत्व, भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण के अर्थ और स्वरूप का वर्णन करते हुए इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। जो आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों का वर्गीकरण करें, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है, प्रश्न कौशल का विकास करने के लिए एक सूक्ष्म पाठ योजना प्रयुक्त कीजिए, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है देख सकते हैं इकाई नंबर 2 से। 5वां क्वेश्चन रहेगा, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है, इकाई योजना एवं दैनिक पाठ योजना में क्या अंतर, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। जो आपका इकाई नंबर 3 से 6ठा क्वेश्चन रहेगा, हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक दोस्तों, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इकाई नंबर 3 से। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के स्वरूप तथा उसके संशोधन विषय पर प्रकाश डालिए, आपका 7वां क्वेश्चन है। इकाई नंबर 4 है, उसमें 8वां क्वेश्चन रहेगा, मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों तथा साधनों का संक्षेप में वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम का क्या स्थान व महत्व है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है, ये आपका 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इकाई नंबर 4 में, ठीक है, टोटल आपकी 4 इकाई है, कौन सी इकाई में कितने क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैटर्न जो आपका चेंज होता रहता है लेकिन जो आपका सिलेबस वो सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इंस्टाग्राम से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एमडीयू हेल्प के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।